नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिमला चंबा में कुदरत का कहर, नेरवा में भूस्खलन, मलबे तले दबी दो महिलाएं, महिला में घर गिरा। ठियोग में नेपाली की हत्या, कारोबारी गिरफ्तार। आधी रात को रिहायशी क्षेत्रों में घूमते दिखे दो तेंदुए, सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना, सहमे लोग। अवैध खनन की शिकायतों की जांच करने पहुंचा एनजीटी का पैनल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस जसवीर सिंह ने की अगुवाई। डीजीपी संजय कुंडू शुक्रवार से सिरमौर के दो दिवसीय दौरे पर, 6 थानों का करेंगे निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में वीरवार को भूस्खलन के दो मामले सामने आए हैं। जिला शिमला के नेरवा में जहां कनाहल बजाथल सड़क पर टूटी ढांक का मलबा गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई है व 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं चंबा विकासखंड महिला में एक गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कनाहल बजाथल पर सटकांडली नाला के समीप ढांक के टूटने से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। इन पत्थरों की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई व 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका नेरवा अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं चंबा विकासखंड महिला के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत वैली के गाँव तंदली में एक निर्माणाधीन मकान भूस्खलन की चपेट में आकर भरभरा कर गिर गया। जिला पार्षद ने मौके का मुआयना कर संबंधित पटवारी को नुकसान की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में नेपाली मूल के एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव को जंगल में जला दिया गया। मृतक युवक ठियोग के एक कारोबारी का नौकर था। कारोबारी ठियोग में वॉशिंग सेंटर चलाता है। पुलिस ने कारोबारी श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नौकर को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने अभियुक्त को रिमांड पर लिया है। मामले के अनुसार नेपाली युवक पिछले कई दिनों से लापता चल रहा था। एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि देवी मोड़ के समीप चल रहे वॉशिंग सेंटर का मालिक अपने नौकर को आयरन स्टिक से पीट रहा था। इस घटना को उसने अपनी आंखों से देखा था। एक घंटे बाद जब शिकायतकर्ता वापस लौटा तो घटना स्थल पर कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद इलाके में चर्चा फैल गई कि नेपाली की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाया गया है। ठियोग के डीएसपी कुलविंदर सिंह ने बताया, हत्या के बाद शव को जलाकर पहचान छिपाने का प्रयास किया गया है। मामले की जांच जारी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मंडी जिला के सुंदरनगर में वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां क्षेत्र में पहले भी कई बार तेंदुओं द्वारा हमला करने की वारदातें होने के बावजूद विभाग ने एहतियातन कोई कदम नहीं उठाते हुए लोगों की जान को लगातार खतरे में डाला है। ताजा मामला बीती रात सुंदरनगर नगर परिषद के चांगर वार्ड का है, जहां पूरी रात दो तेंदुओं के 2 घंटों तक रिहायशी इलाके में घुसने से दहशत का माहौल बना रहा। वहीं तेंदुओं की मौजूदगी का वीडियो मकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है, पहले भी क्षेत्र में तेंदुए के द्वारा खूब आतंक मचाया जा चुका है। इसको लेकर कई बार वन विभाग को भी शिकायत की गई है, लेकिन आज दिन तक विभाग द्वारा कोई ठोस कदम इस तरफ नहीं उठाया गया है। लोगों ने क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरे लगाने की मांग उठाई है। ऊना जिला में लगातार गंभीर होते अवैध खनन के मामले की गूंज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक जा पहुंची है। वीरवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में गठित किए गए पैनल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। एनजीटी के पैनल ने शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई साइट्स का दौरा कर मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ डीसी ऊना, एसपी ऊना समेत तमाम प्रशासनिक अमला और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी एनजीटी के पैनल के साथ मौजूद रहे। एनजीटी के पैनल ने जिला की प्रमुख नदी सोमभद्रा में पहुंचकर आवंटित की गई खनन लीजों का निरीक्षण किया। इस दौरान एनजीटी के पैनल ने अधिकारियों को खनन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पूर्व जस्टिस जसवीर सिंह ने कहा, पैनल ने जांच कर ली है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जल्द ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुमार कुंडू शुक्रवार से सिरमौर जिला के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। अपने इस दौरे के दौरान पुलिस महानिदेशक जहां नाहन और पांटा साहिब में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे, वहीं जिला के 5 थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। जानकारी के अनुसार 2 दिवसीय दौरे के दौरान पुलिस महानिदेशक शुक्रवार को दोपहर बाद जिला मुख्यालय नाहन पहुंचेंगे। इस दौरान डीजीपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित नवनिर्मित सम्मेलन कक्ष का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा इसी सम्मेलन कक्ष में 2:45 बजे मीडिया कर्मियों से भी रूबरू होंगे। डीजीपी इन 2 दिनों में जिला के 6 थानों का निरीक्षण करेंगे। इनमें थाना पच्छाद, सदर थाना नाहन, थाना कालाअंब, थाना पांटा साहिब और थाना पुरूवाला शामिल है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।
हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।